नौजवान हैं और चाचा का आशीर्वाद है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र हम लोगों ने देने का भी काम किया है, लोगों ने देखा भी है, तो हम लोग काम को लेकर के पूरे तरीके से सजग हैं और धरातल पे हमारा काम होता है, भाजपा की तरह होर्डिंग पे काम नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं दुर्गा पूजा खुशियों का त्यौहार। देखिए माता विराजमान हैं हमारे साथ, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी हैं। आज दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में आज सप्तमी में माता का पट खुला है, उसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं आज सप्तमी का ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। आज माँ का पट खुला है और सारे जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आ रहे हैं, माता का पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन करने का काम कर रहे हैं। इस साल का कैसा दुर्गा पूजा हो रहा है? इस साल का दुर्गा पूजा बहुत ज़बरदस्त है और 24 में भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। 24-25 में इस दुर्गा पूजा का इफेक्ट कैसे सर? इंडिया महागठबंधन का केंद्र में झंडा लहरने वाला है 24-25 में जी। अच्छा, पर बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि कितना भी प्रयास कर लीजिए पर ये कुछ होने वाला नहीं है, आएंगे। तो बिहार से क्या हुआ, कर्नाटका से क्या हुआ, जो मोदी जी के साथ अमित शाह जी गदा लेके जो हनुमान जी का घूम रहे थे वही गदा उनको लग गया। अब 5 राज्यों में जो भी चुनाव होने जा रहा है वो भी हारने जा रहे हैं। बीजेपी के लोग 5 राज्यों में हारेंगे? हाँ, पर दावा ठोक रहे हैं कि कितना भी कुछ कर लीजिए जीत तो हमारी सुनिश्चित है। अब जब जनता के सामने जाइए ना, जनता जिस तरीके से नकार रही है इनको, केंद्र से लेकर के बिहार में तो नकार ही दी और केंद्र में भी कर्नाटका में भी नपार उनको नकार रहे हैं। हाँ, नकार रहे हैं सारे लोग। मंत्री जी, एक सवाल और लगा, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं बिहार के सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को हित के बारे में सोचते हैं, पर बीजेपी के लोग कहते हैं कि कितना भी कुछ कर लीजिए कोई दम नहीं है विपक्ष में, विपक्ष ये खोखला है प्रधानमंत्री चेहरे का। बीजेपी में अब कुछ रहा नहीं, सब एक दूसरे को देख करके जलते हैं। बीजेपी के यही नेता अपने आप को देख के जलने का काम करते हैं। बीजेपी में अब कुछ ना, बस यही रह गया है एक दूसरे को देख के जलो और उल्टा फुल्टा लड़ो झगड़ो और देश दुनिया कहाँ जा रहा है अंधकार में, केंद्र के सरकार ने डालने का काम किया पूरे तरीके से अंधकार में, इन लोगों ने झोंकने का काम किया लेकिन बेहाल पड़ा है सारा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, आज मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में तेजस्वी जोड़ के देखे और कहें कि अब आगे सब कुछ यही देख रहे हैं हम लोग के साथ, तो नौजवान नौजवान ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? पर बीजेपी के लोग नौजवान हैं और चाचा का आशीर्वाद है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिहार में शिक्षक भर्ती निकली, इतनी पैमाने पर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, तो नियुक्ति पत्र हम लोगों ने देने का भी काम किया है, लोगों ने देखा भी है, तो हम लोग काम को लेकर के पूरे तरीके से सजग हैं और धरातल पे हमारा काम होता है, भाजपा की तरह होर्डिंग पे काम नहीं होता है। होर्डिंग आ पोस्टर आ बैनर आ सोशल पे काम नहीं, हम लोग धरातल काम होता है, जमीन पे हम लोग काम करने का काम करते हैं। यूपी से भी लोग हैं जो बिहार आ रहे हैं, यूपी से तो बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, टीचर बने हैं बिहार आकर, आज बहुत सारे लोग आते रहते हैं यूपी से, बहुत लोग मिलते जुलते भी रहते हैं। तमाम लोगों को नौकरी मिल रहा है बिहार? तमाम लोगों को नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है। तो भैया, आप तेज प्रताप यादव जी को सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, किस तरीके से जानकारी दिया, क्या कुछ बता रहे थे, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।